नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पदानिया और आज हम एक नए मुद्दे के साथ आ पहुंचे हैं गांव बुड़सनी डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश में। और यहां हम कुछ लोगों से बात करने वाले हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, तो उनके पास हम चलेंगे। इस गांव के कुछ महोदय हैं और आज का हमारा जो मुद्दा है लोगों से बात करने का वो ये है कि पत्नी बेहतर है या गर्लफ्रेंड बेहतर है, तो इनमें से कौन बेहतर है। जो अच्छा सवाल का जवाब हमें देगा हम उसको 500 रुपए का इनाम भी देंगे। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। हाँ भाइयों, एक मिनट, मैं अशोक पदानिया यूट्यूब चैनल से हूँ और हम जनता से बात करते हैं और जनता की आवाज को हम जनता तक ही पहुंचाते हैं कि उनके विचार क्या है। आज का हमारा मुद्दा है पत्नी बेहतर है या गर्लफ्रेंड बेहतर है, तो हम सही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं। आज तक किसी ने हमारी इस बात का जवाब नहीं दिया, तो महोदय हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पत्नी बेहतर है या गर्लफ्रेंड। देखो, सवाल तो आपका जो है ये घर में राड़ करवाने का है, पर हम भी पक्के यादव है, मानेंगे हम भी सची बोलेंगे। देखो, गर्लफ्रेंड का ऐसा है, आदमी लड़का बेरोजगार हो, काम धंधा ना करता हो, चश्मा उसमें लगा के गाड़ी लेकर डोलता हो, चाहे किसी की मांगी हो कि किसी घर वाले और दूसरे बोल के सब चलता है, 10 रुपये गोलगप्पे खिलाओ, घुमाओ अपने आराम से। पर लेकिन श्रीमती जी की अगर आप बात करें, उन्हें एक तो सरकारी नौकरी लड़का चाहिए, देखिए मतलब जहां पत्नी की बात बताने की बात आती है वहां पर लोगों की बोलती बंद हो जाती है ना। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, लोगों के एक्सप्रेशन को भी आप ध्यान से देखें, मतलब आज तक कोई इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया, तो यही कैसे। चलिए एक और महोदय हैं, उनसे बात करते हैं। पहले आप तब तक आप जवाब सोच लीजिए, हम करते हैं बात अभी आपसे, आप उठाते हैं। जी सर, आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये मिस्टर खिज्जी से खिजाने लगते हैं, मतलब जवाब नहीं बन रहा। अगर इन्होंने पत्नी को कुछ कह दिया तो शायद खाना भी ना मिले कई दिन तक। अगर इन्होंने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बात कर दी तो पता नहीं इनका क्या से क्या हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना जनता, मतलब जनता सब समझती है। चलिए फिर से इन महोदय के पास चलते हैं। जी सर बताइए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। किसको? लड़की बहू को, बीवी को। ओके, हाँ जी। दूसरा, श्रीराम जैसा पति चाहिए उन्हें। जी तो जी, अब आपसे मैं अपने मुंह से क्या शब्द कहूँ, क्योंकि ये तो चैनल आपका हर जगह देख रहा हूँ, ससुराल में भी और वहाँ भी, मेरे घर भी, ये सब जगह पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा सर। यार तुम तो राड करवाओ, तुम आदमी बढ़िया नहीं है, किसी से सवाल पूछ रहे। सर हम राड नहीं करवाएंगे, हमें केवल इतना जवाब दे दीजिए, पत्नी बेहतर या फिर गर्लफ्रेंड। बहुत फायदे से बाबी जी, आप अगर हमारा चैनल देख रही हैं तो समझ रही है ना बात को। चलिए एक और महोदय हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी महोदय। भैया सुबह किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, सुबह से बैठे देखिए, ये खुल के सामने आए हैं हमारे कि ये कहना चाहते हैं कि पत्नी के साथ झगड़ा हो गया तो गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं। मतलब घर भी खीर है, बाहर भी खीर है, आप समझ रहे हैं ना जनता, और हम चाहते हैं जनता तक इनकी आवाज पहुंचाना। तो सर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मेरा नाम लिया, मैंने कुछ नहीं कहा इसमें। जी सर, मैं भैया मेरी वीडियो काट दी और निराड़ हो जाएगी, देखो भैया मैं जा रहा हूँ। भैया ये बात ठीक है, हमारे तक भी नहीं पहुंची थी, ध्यान रखियो कभी पता लगे कि हम भी। अब दोस्तों अगर किसी की बात भी जनता तक नहीं पहुंचेगी तो फिर हमारे न्यूज चैनल का क्या फायदा है, हमारे जैसे जो सुदृढ़ एंकर हैं बेबाक, उनका क्या फायदा होगा, जो हम बेबाकी से अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं तो उसका क्या फायदा होगा। ये बात जनता तक जाएगी कि इन लोगों ने क्या बोला है, बुड़सनी के 3 नौजवान हैं और पत्नी के सामने कैसे ढेर हो गए पत्नी का नाम सुनते ही। अब कोई जवाब नहीं हमें मिल पाया, आज का निष्कर्ष जो है हमारा वो क्वेश्चन मार्क लग के रह गया। तो चलिए अगले किसी और नए मुद्दे के साथ हम उपस्थित होंगे। 500 रुपए हमारे बच गए तो ये हमारे ही काम आएंगे, हमारी पत्नी के काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।